खबर हरिद्वार की श्यामपुर से है, जहां पर शिवसेना के यहां पर बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें यहां पर शिवसेना की प्रदेश प्रमुख देवेंद्र प्रजापति उपस्थित रहे, जिन्होंने यहां पर शिव सैनिकों को उत्तराखंड की विधानसभा चुनाव 2027 के लिए महत्वपूर्ण मंत्र दिया है। कहा कि यहां पर शिवसेना उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए जमीन स्तर पर काम कर रही है और हम उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं पर अपने उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारेंगे। उन्होंने श्यामपुर पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन होटल, ढाबा और साथ ही रेस्टोरेंट संचालकों के चालान काट रही है, जो भी बिल्कुल यहां पर गलत है। और कांवड़ मेला के बाद हम हरिद्वार की कप्तान से मिलकर इस मामले को जोर शोर से उठाते हुए विरोध करेंगे। जी भाई, आज यहाँ पे जो है शिवसेना की मीटिंग है, पहली मीटिंग। मैं आज देख रहा हूँ कि कई सालों से यहाँ कांगड़ी में पहली बार मीटिंग हो रही है शिवसेना की। इसमें क्या क्या स्थिति है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, उत्तराखंड के अंदर शिवसेना राजनीतिक रूप से अपनी बढ़ोतरी कर रही है। आज मेरी सुबह देहरादून की बैठक थी, वहाँ भी पत्रकार भाइयों ने काफ़ी सवाल जवाब किए। और आज मुख्य ऐसा नहीं है कि हरिद्वार हरिद्वार शिवसेना का एक गढ़ रहा है और आज भी है। राजनीतिक रूप से हम लोगों ने यहाँ चुनाव लड़े हैं, जीते हैं। 16 में हम लोगों के प्रधान निकले थे, किसी कारणवश, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, किसी कारणवश जब भाजपा कांग्रेस से शिवसेना का कुछ गठबंधन हुआ तो इस कारण पूरे भारत के अंदर शिवसेना डैमेज हुई थी। और जब आपने देखा कि माननीय श्री एकनाथ शिंदे साहब के हाथ में जब कमान आई है तो पूरे भारत के अंदर हमारे अभिजीत अड़सूल साहब जो हैं, जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो पूरे भारत के अंदर शिवसेना को देख रहे हैं और शिवसेना राजनीतिक रूप से बढ़ोतरी कर रही है। इसमें आगे क्या रणनीति होगी आपकी? देखिए, रणनीति चुनाव अभी तो विधायक के या सांसद के या ऐसा शिवसेना ने कुछ किया उत्तराखंड में नहीं। चुनाव राजनीतिक दल का जो मोटिव होता है वो चुनाव ही होता है और हमारा जो संकल्प है वो 2027 है। 27 के अंदर हम लोग अपने सभी जगह, सभी 70 सीटों पर हम अपने विधायक उतारेंगे और हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, ऐसी हमारी अपेक्षा है। पूरे उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों पे, मैदानी क्षेत्र में संगठन काम कर रहा है और जिस तरीके से आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की जो एक, आज जैसे हम यहाँ आया, ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ पे कोई संगठन नहीं था। ये सब लोग हमारे भाई हैं, पुराने जुड़े हुए लोग हैं। संगठन में जब इन्होंने देखा कि अब संगठन अच्छा चल रहा है तो आज इन्होंने संगठन का पक्का पहना, संगठन को स्वीकार किया। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस रोड पे यदि आप देखेंगे तो यहाँ जो होटल्स हैं, हमारे सभी होटल्स हैं और होटल्स पे जो है पुलिस की, हरिद्वार की, मैं समझता हूँ उत्तराखंड की सरकार इस तरीके से उत्तराखंड को चलाने का प्रयास करेगी कि एक जो काम करने वाला व्यक्ति है उसके दुकान पे आकर के जबरदस्ती चलान काटे जा रहे हैं, जबरदस्ती उसके ताले लगे हुए हैं दुकान पर, मैं देख रहा हूँ, और उसके चलान काटे जा रहे हैं। जिस दुकान पे म्यूजिक सिस्टम नहीं है, म्यूजिक के ऊपर उसका चलान काटा जा रहा है, तो ये बिल्कुल शर्मनाक चीजें हैं। इसको शिवसेना कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी पवित्र सावन का मेला चल रहा है, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये पवित्र सावन का मेला समाप्त होगा और एक प्रतिनिधिमंडल अपने साथियों के साथ कप्तान साहब से मिलेगा और ये जो थाने में बैठे हैं दलाल, ये दलाल किस तरीके की जो जो हरकतें कर रहे हैं, पैसा खाने का इनका मंशा है या कौन सी एक काम करने वाले व्यक्ति को परेशान करने